वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल, दिस इज द शेयर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हेल्थ ऑफ ऑन न्यूबॉर्न केयर, जो कि एक पीडियाट्रिक का टॉपिक है और जो ओबीजी के अंदर भी आता है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा लिख लेंगे, जिसके अंदर हम लिखेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट टॉपिक लिख लेंगे, मेथड ऑफ टीचिंग कौन सा हम यूज़ करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हम मेथड ऑफ टीचिंग लिख लेंगे, क्लास लिख लेंगे हमारी, एवियर्ट्स के बारे में लिख लेंगे कौन से एवियर्ट्स आप यूज़ करेंगे, इसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने रहने वाले हैं वो लिख लेंगे, टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा हमको हेल्थ टॉक प्रेजेंट करने में, इसके बाद डेट लिख लेंगे हम, और प्रीवियस नॉलेज लिख लेंगे ग्रुप मेंबर्स की, भाई टॉपिक से रिलेटेड ग्रुप मेंबर्स को कितनी नॉलेज है। इसके बाद हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिख लेंगे, ठीक है, और जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जैसे कि जब हमारा हेल्थ टॉक कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके बारे में हमको बताना है स्टूडेंट्स को, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूबॉर्न केयर, भाई न्यूबॉर्न केयर होती क्या है इसके बारे में तो बताएंगे स्टूडेंट्स को। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न केयर, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा। थर्ड वाला हमको पर्पसेस के बारे में बताना है, कंपोनेंट्स के बारे में बताना है न्यूबॉर्न केयर के, और केयर एट बर्थ, भाई बर्थ के टाइम है कौन सी केयर हम प्रोवाइड करेंगे इसके बारे में बताना है, और केयर ऑफ़ द बेबी इन इनिशियल फ्यू हावर्स, मतलब जो भी एक टोटल केयर रही उसके बारे में बताते हैं। इसमें सबसे पहले हम एट बर्थ के बारे में बता देंगे कौन सी केयर देंगे, इसके बाद कुछ घंटों में कौन सी केयर देंगे, और थोड़े बहुत घंटों बाद कौन सी केयर देंगे, उन सब के बारे में बताएंगे। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे स्पेसिफिक। इसके बाद हम लिखेंगे सबसे पहले, ये हमारा टेबल बन जाएगी, इसके बाद हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूबॉर्न केयर, या फिर ऐसे एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर भी कहते हैं। तो एसेंशियल केयर ऑफ द नॉर्मल हेल्दी न्यूनेट कैन बी द बेस्ट प्रोवाइड बाय मदर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ नर्सिंग पर्सनल और बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है, किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, मदर के द्वारा या फिर जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर रहते हैं उनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अबाउट 80% ऑफ द न्यूबॉर्न बेबीज रिक्वायर मिनिमल केयर, 80% बेबी को मिनिमल केयर की आवश्यकता पड़ती है। हम जो भी मेथड यूज़ करेंगे उसका लिख लेंगे, जैसे लेक्चर कम डिस्कशन या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद कौन से एवियर्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो लिख लेंगे, और लास्ट में इवैल्यूएशन के लिए हम क्वेश्चनिंग कर लेंगे। इसके बाद डेफिनेशन लिख लेंगे, हम डेफिनेशन में लिखेंगे एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द डेथ ऑफ द न्यूबॉर्न थ्रू द कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशंस before conception, during pregnancy, immediately after the birth and postnatal period, ठीक है। इसके बाद हम purpose लिख लेंगे, भाई newborn care के क्या purpose हैं, क्यों provide की जाती है, कौन कौन से purpose रहते हैं इसके। इसमें सबसे पहले लिख लेंगे हम to make sure baby is thriving, इसके बाद early detection of the problems of or danger signs, helping the mothers to meet the best baby's basic need, जैसे कि वार्मथ, फीडिंग, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ये बेसिक नीड है इसके बारे में बताने में। चौथा आ जाएगा बेबी ब्रेस्ट फीड विद इन वन आवर, पांचवा एक्टिविटी एंड एनकरेजिंग मदर फॉर ब्रेस्ट फीड एक्सक्लूसिवली, इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ की प्रॉब्लम्स सच एज द एस्फेक्सिया एंड सेप्सिस, सातवा आ जाएगा मेकिंग प्लान फॉर कंटिन्यूइंग द केयर लाइक इम्यूनाइजेशन। इसके बाद कंपोनेंट्स के बारे में लिख लेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसके, इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर ये पहला आ जाएगा, न्यूबॉर्न केयर ड्यूरिंग फर्स्ट डे, न्यूबॉर्न हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, केयर ऑफ द न्यूबॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 डेज, टीच एंड काउंसिल मदर एंड फैमिली अबाउट द न्यूबॉर्न केयर। इसके बाद केयर एट बर्थ, भाई बर्थ के टाइम पर कौन कौन सी केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। एट बर्थ द पर्सनल अटेंडिंग द डिलीवरी मस्ट एक्सरसाइज ऑल द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इन ऑल द केसेस, ठीक है, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का हमको ध्यान रखना है बर्थ के टाइम पे। इसके अंदर आ जाएगा ऑब्जर्व द फाइव क्लीन्स टू प्रिवेंट द सेप्सिस एट बर्थ, क्लीन हैंड्स होने चाहिए, क्लीन सरफेस, क्लीन ब्लेड्स, क्लीन टाई एंड नथिंग टू बी अप्लाइड ऑन कोड, कोड के ऊपर कुछ भी नहीं लगाएंगे और ये सारे क्लीन्स का हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद केयर सून आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, जस्ट डिलीवरी के बाद में हम कौन सी केयर प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे इट शुड बी प्लेस्ड ऑन ए ट्रे कवर्ड विद क्लीन ड्राई लिनन विद द हेड स्लाइटली डाउनवर्ड, इट फैसिलिटेट्स द ड्रेनेज ऑफ म्यूकस एक्युमुलेटेड इन द ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्रे बाय ग्रेविटी,
द ट्रे इज प्लेस्ड बिटवीन द लेग्स ऑफ मदर एंड शुड बी एट लोअर लेवल देन द यूटेरस। या ट्राई लिख रहा है, यहाँ पे ट्रे लिख लेंगे हम, TREY। इसके बाद प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया से बचाना, क्योंकि ये एक लीडिंग कोज रहता है बेबीज़ की डेथ का, ठीक है। तो हाइपोथर्मिया से प्रिवेंशन करवाएंगे हम, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं आराम से। इसके बाद डिले क्लैंपिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, अब ये क्यों करवाएंगे हम, इन प्रीटर्म बेबीज़ इट अलाउ ट्रांसफ़र ऑफ एडिशनल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू द इन्फेंट। इसके बाद इन टर्म बेबीज इट एसोसिएटेड विद द इम्प्रूव्ड हिमेटोलॉजिक स्टेटस, आयरन स्टेटस एंड एनीमिया। इसके बाद क्लीनिंग ऑफ बेबी, बेबी को साफ करेंगे, क्लीन द बेबी बाय स्टरलाइज और क्लीन क्लॉथ, क्लैंपिंग द कॉर्ड। क्लैंपिंग द कॉर्ड के अंदर द अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी क्लैंप्ड एट 2 to 3 centimeter अवे फ्रॉम द एब्डोमन यूजिंग ए कमर्शियल अवेलेबल क्लैंप। इसके बाद प्लेसमेंट ऑफ आइडेंटिफाई बैंड, जो आइडेंटिफिकेशन बैंड रहेगा जो बेबी के हाथ पे लगा देंगे या पैर पे लगा देंगे हम, उसका नाम और उसके मदर के नाम के साथ में। इसके बाद केयर ऑफ बेबी इन इनिशियल फ्यू आवर्स आफ्टर द बर्थ, रिकॉर्डिंग द वेट, सबसे पहले वेट मेजर करेंगे हम बेबी का, फर्स्ट एग्जामिनेशन, हेड टू टो कम्प्लीट एग्जामिनेशन करेंगे बेबी का, इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग चालू करवा देंगे विद इन 1 आवर, विटामिन के का इंजेक्शन लगा देंगे। इसके बाद फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे बेबी की कंडीशन के बारे में, उसके जेंडर के, वेट और वेलबिंग के बारे में। इसके बाद रोमिंग इन, नॉर्मल न्यूबॉर्न शुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मदर इन द इनिशियल ए फ्यू आवर्स ऑफ लाइफ, शुरुआती कुछ घंटों में हम बेबी को मदर से बिल्कुल भी अलग नहीं करेंगे। इसके बाद केयर ऑफ बेबी बियॉन्ड अ फ्यू आवर्स आफ्टर बर्थ, इसके बाद हम क्या करेंगे, केयर ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की केयर के बारे में बताएंगे हम, कि कॉर्ड पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, जो भी कॉर्ड रहेगी वो अपने आप सूख के झड़ जाती है। इसके बाद एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताएंगे हम, स्लीप के ड्यूरिंग पोजिशनिंग कौन सी रखनी है उसके बारे में बताएंगे मम्मी को, या वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे जल्दी नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने की जल्दी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।